नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो अपना बैच है स्पेशल, ये आपके सीटी पशु परिचर और राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं, आगे एग्जाम्स जो होने वाली है उन सभी के लिए क्या उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन, क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और उसको क्या है एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। इसमें आप बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, जिससे आपका जो मैथ का डर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। हर किसी को क्या मैथ का डर लगता है, तो ये बैच आपका कंप्लीट होने के बाद भी जो मैथ का डर है वो क्या ख़त्म हो जाएगा। इस बैच के अंदर आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो आप जैसे पशु परिचर सीटी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और रिविजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। अपने पीछे आपने क्लास से देखी होगी तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 7 दिन में पूरा कर लेता है। ए है वो किसी कार्य का 1/2 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन समझो और आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। ए है वो किसी काम का आधा भाग, 1/2 भाग कितना होता है आधा भाग, 7 दिन में समाप्त कंप्लीट कर देता। कोई काम है वो क्या है ए, उसका आधा भाग क्या कर देता है 7 दिन में कर देता है, तो उस काम को पूरा करेगा तब उसको कितना समय लेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। ए है वो किसी काम का आधा भाग 7 दिन में पूरा कर देता है और बाकी जो काम बचा उस काम को जो पूरा करने में जो समय लगेगा वो समय आपको पूछा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, ए क्या करता है किसी काम का आधा भाग, ए किसी काम का, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप सीधा करो, ए किसी काम का आधा भाग 1/2 भाग कितने दिन में करता है 7 दिन में करता है। तो अगर उस पूरे काम में का आपको समय पूछे, पूरा काम करने में लगा समय पूछे आपको, तो किस प्रकार से करोगे, आपको सीधा करना है 7 गुणा कर देना है 1/2, इसको क्या है उल्टे 2 लेके जाने ऊपर और 1 लेके जाना नीचे, फिर देखो 7 गुणे कितना हो गया 14, तो कंप्लीट काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 14 दिन। बात समझ में आ गई, ये तो आपको वैसे भी आ रहा होगा कि किसी काम का आधा भाग 7 दिन में करता है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आपको पता ही है आधे को 7 दिन में करेगा, अगले आधे को कितने दिन में कर देगा 7 में, तो टोटल समय कितना लगेगा 14 दिन। बात समझ में आ गई, जैसे ये आपके पास पूरा काम है, अब इस काम को इसने क्या कर दिया, इसका आधा भाग को कम्प्लीट कर दिया 7 दिन में, तो ये आधा भाग बचा तो इसको कितने में करेगा 7 दिन में, तो पूरा समय कितना लगेगा 7 ये + 7 = 14 दिन। तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप जो करने का तरीका, आगे क्वेश्चन आ जाए जैसे इस प्रकार से आए 2/5 भाग इस प्रकार से आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ये समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कितना भी भाग हो उस भाग का क्या हम उल्टा करके गुणा कर दो दिन से, तो आपका क्या आ जाएगा पूरा समय आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी काम का आधा भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा पूरे काम को करने में, तो आपको क्या करना है 7 इसको गुणा करना है किससे, 2 लेके जाने ऊपर और 1 नीचे, तो 7 × 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको क्या कर देना उल्टा उल्टा करके क्या कर देना गुणा, इससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक किसी काम का आधा भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है। ए है वो किसी काम का आधा भाग करने में कितना 15 दिन लेता है, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो सीधा सीधा क्या जाएगा आपको पता है आधा भाग कितने दिन में कर दिया 15 दिन में, उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा आधा 15 दिन में कर दिया, तो अगला आधा कितने दिन में करेगा, जैसे ये आपका क्या काम है
इसका आधा भाग कट दिया, यहाँ तक कट दिया। जैसे ये दीवार निकालनी है, ये क्या दीवार निकालनी है, ये आधी दीवार इसने क्या की 15 दिन में पूरी कर दी, 15 दिन में क्या कंप्लीट कर दी। अब आधी दीवार बची है तो इसको कितने समय में पूरा करेगा, तो इसमें भी इसको कितने लग जाएंगे 15 दिन। ये तो क्या हो गई बेसिक बातें हो गई, ये क्या हो गई बेसिक बातें। लेकिन निकालने का तरीका आपको क्या रहेगा, कितने आधा भाग कितने दिन में करता है, आधा भाग कितने दिन में करता है, आधा भाग करता है वो 1/2 दिन में, ठीक है 1/2 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य करेगा वो, सॉरी 1/2 दिन नहीं 15 दिन में। आधा भाग कितने दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 15। फिर गुणा क्या करना है, इसको उल्टा करके 2 को क्या लेके जाना है ऊपर और 1 को क्या लाना नीचे। अब देखो 15 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन, कितने दिन में करेगा 30 दिन में। बात समझ में आ गई, और ये आपके यहाँ पे 30 दिन में आ रहे हैं, आधा भाग 15 दिन में, अगला आधा 15 दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 दिन। बात समझ में आ गई, तो मैंने आपको बेसिक तरीका ही बताया है, और जो करने का तरीका होता है वो भी मैंने बताया। यह तरीका मैंने आपको क्यों समझाया है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या है 2/7 भाग जैसे आ जाए 21 दिन में करता, तो इसको किस प्रकार से करोगे, तो ये करने का मैंने आपको तरीका बताया। बात समझ में आ गई, चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन करने की कोशिश करें। एक बार इसको आप लोग नोट डाउन करो भाई, और साथ साथ में आप लोग भी क्या सोल्व करने की कोशिश किया करो, और साथ में नोट डाउन कर लिया करो, और रिवीजन भी साथ साथ करते रहा करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक इसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए है वो किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आ गई, ए है वो किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में पूरा करता है, कितना भाग है 3/5 भाग, कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में, तो उस कार्य को समाप्त करने में वो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसको तो अपने सीधा ही कर रहे थे बेसिक से, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से करने की कोशिश करो। बेसिक किस प्रकार से करोगे होगा ना, आपसे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे टोटल काम कितना है, टोटल काम है 5, इसका कितना भाग 3 भाग, ये हो गया जैसे 3 भाग, कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो ये बाकी काम कितना बच गया, 2 काम बच गया। बात समझ में आ गई, 2 भाग शेष बच गए, तो 2 भाग कितने समय में करेगा, तो इससे क्या आपको अंदाज तो आ जाएगा ऑप्शन देख के। लेकिन इसको करने का तरीके की अपन बात करें तो किस प्रकार से करेंगे, 3/5 भाग है, 3/5 भाग में लगा समय कितना लगा बताओ, देखिए मेरे को 15 दिन लग गए, तो पूरा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 15 गुणा इसको क्या कर देंगे उल्टा, उल्टा किस प्रकार से, 5 आ जाएगा ऊपर और 3 क्या आ जाएगा नीचे। अब देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 15 में कितने हो जाएगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया कितना हो जाएगा 25 दिन, तो आपका आंसर क्या रहेगा 25 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से, बिल्कुल देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्या क्वेश्चन बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, लेकिन अपना क्या है अपन सब टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी। बात समझ में आ गई, तो देखो है तो छोटे छोटे, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, करना कुछ भी नहीं, मात्र देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको सीधा करोगे, ये नहीं लिखोगे, ये एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली, 5-10 क्वेश्चन कर लिए तो आप सीधा भी करोगे।
किस प्रकार से जैसे सीधा सीधा कर दिया, 3/5 भाग दे रखा है, दिन दे रखे हैं आपको 15, तो आप सीधा यही कर दोगे 15 गुना ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिख दिया 5, नीचे क्या आ जाएगा 3, कैलकुलेशन करिए आपका सीधा आंसर आ जाएगा 25 दिन, मात्र 10 सेकंड का आंसर है। बात समझ में आ गई, लेकिन बेसिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप भूल भी जाओ तो भी क्या है आपके क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ गई अच्छे से, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको करना है, एक बार इसको नोट डाउन करो आप लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसी कार्य का 7/11 / 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस कार्य को पूरा समाप्त करने में कितना समय लेगा। ए है वो किसी काम का 7/11 / 21 दिन में पूरा कर सकता है, कितना भाग है 7/11 भाग, समय कितना लेगा 21 दिन, 21 दिन में पूरा कर सकता है तो उस पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, बताओ देखें मेरे को क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ए है वो किसी काम का कितना भाग 7/11 भाग, 7/11 भाग कितने समय में पूरा करता है 21 दिन में, तो इस पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो आपको सीधा क्या करना है 21 × 11/7, आपका क्या जाएगा आंसर 7 × 7, 7 × 3 कितने हो गए 21, 11 × 3 कितना हो गया 33, तो टोटल काम करने में पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 33 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से, किसी के कोई दिक्कत है क्या। देखो इससे शोर तो आपको क्या ही बताऊं मैं, बिल्कुल देखो 5 सेकंड का आपका क्या आंसर रहेगा, आप यही क्या इसको सोल्व कर सकते हो, पेपर में ही सोल्व कर दोगे। यहाँ पे 21 × 11 7 × 7 = 21 गुणा किया किसको 11 को 3 से, आपका आंसर आके आ गया 33 दिन, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, आप अगर किसी और तरीके से करोगे तो वो बहुत ही लंबा तरीका हो जाएगा, आप भूल जाओगे, तो इससे अच्छा है एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी आते हैं, ये तो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से कर रखे हैं तो उनको तो पता ही है किस प्रकार से किया था उन्होंने, और जिन्होंने नहीं कर रखे थे तो उनका तो आंसर आया नहीं होगा, ये मेरे को पता है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इसी प्रकार से मैथ का जो डर है वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, पर जितने भी टॉपिक हैं उनके जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उनमें सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, जिससे क्या है मैथ के अंदर जो आपके जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दिया है, एक किसी कार्य का 20% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य का 20% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ए है वो किसी काम का 20% भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में समाप्त कर देता है, अगर वो काम उसको पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा। तो देखो यहाँ आ गई ना दिक्कत, हो गई प्रॉब्लम आपके, इससे पहले जैसे अपने पढ़ा था 1/2 भाग, 1/3, 1/5 भाग, इस प्रकार से तो कर लिया था, लेकिन ये आ जाए प्रतिशत में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरी जो पहले 1% वाली क्लास देखी है तो उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वो तो चेंज कर लेंगे।
और जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी उनके थोड़ी बहुत बिल्कुल दिक्कत आएगी, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके दिक्कत आनी नहीं है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो बेसिक तरीका बताऊंगा आपको। जैसे ये क्या है, पूरा काम, कितना काम है ये, 100% काम है, टोटल काम कितना 100%। ये करता है 20% हो गया, ये 20, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100% काम हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्या 20-20% काम है, 20-20% के क्या है काम, इसको डिवाइड कर लिया, काम कितना होगा, टोटल काम हो गया 100%। अब ये 20% 10 दिन में करता है, अगला 20 फिर कितने में करेगा, 10 में, अगला 20 फिर कितने दिन में करेगा, 10 में, फिर अगला 20 कितने दिन में कर देगा, 10 में, फिर अगला 20% कितने दिन में करेगा, 10 में। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 दिन में टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 50 दिन। बात समझ में आ गई, लेकिन इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो वैसे सोल्व करने का सीधा सीधा तरीका क्या रहेगा, ये तो बेसिक चीज़ें बताई है मैंने, बात समझ में आ गई। सोल्व करने का अपना जो तरीका वो क्या रहेगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि किसी काम का 1/5 भाग कितने 10 दिन में कर सकता है, 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो किस प्रकार से अपन कर रहे थे, पूरे काम में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा, 10 × 5 को लेके जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, टोटल क्या आ गया 50 दिन। इस प्रकार से तो अपन ने बातें कर ली थी, लेकिन यहाँ पे आया क्या प्रतिशत। अब प्रतिशत को कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत को चेंज करने का तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अपन इधर बात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, 20% का आपको पता है, 20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5, 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है, ये मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार से आता है। एक बार दोबारा बता दूं, 20% अगर किसी चीज़ का अपन प्रतिशत हटाएंगे, जैसे 20 का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बट्टे में क्या आया 100, जीरो से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आपके पास क्या आ गया 1/5, क्या आया 1/5 आया। बात समझ में आ गई, आप 20% लिखो या 1/5 लिखो बात वही, बात समझ में आ गई, 1/5 लिखो या 20% लिखो बात वही है, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो प्रतिशत में था उसको क्या बट्टे में चेंज कर लिया, प्रतिशत को मैंने क्या किया बट्टे में चेंज कर लिया। ये तो आपको करना आता ही होगा, नहीं करना आता तो आपको मैं दोबारा बता दूं, जैसे आपको दे दें 50% का आपको पता है कितना होता है आधा भाग होता है, 50% क्या होता है आधा भाग। जैसे आपको बोल दिया जाए आप किसी काम का 50% काम 7 दिन में कर सकते हो, तो 50% काम कितना हो गया आधा भाग हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये आपको पता है कि आधा भाग है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। 50 का प्रतिशत हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बट्टे में 100 लगा दूंगा, बट्टे में मैंने क्या लगाया 100, अब इसको क्या करेंगे 100, 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 2, तो देखो आपके पास वही क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये क्या है प्रतिशत को मैंने बट्टे में चेंज कर दिया, बात समझ में आ गई। अब चेंज करना आपको आ जाएगा तो आगे तो क्या क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही जाएगा। तो 20% के बराबर आपके पास क्या आया, 20% बराबर आपके पास क्या आया 1/5 आ गया, क्या आ गया 1/5 आ गया, बात समझ में आ गई। अब देखो किस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था कि 1/5 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में, तो पूरा कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 10 × इसको क्या लिख देंगे उल्टा, तो 5 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो 5 को गुणा किया किससे 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 दिन, क्या आ गया 50 दिन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से किस प्रकार से सोल्व करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रतिशत में कोई संख्या दिख जाए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस प्रकार से सोल्व करोगे, जो प्रतिशत दे रखा है उसको सबसे पहले आप बट्टा में चेंज करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना बट्टे में चेंज करना, बट्टे में चेंज किस प्रकार से करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 20% बराबर मैंने क्या बताया 1/5। अगर आपको याद है, अगर आपने प्रतिशत वाली पीछे क्लासे देखी हैं तो आप सभी को याद होगा, अगर नहीं देखी तो वो क्लासे देख लेना, अगर टाइम नहीं मिले तो फिर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि 20% को अपन बट्टे में किस प्रकार से चेंज करेंगे,
पर अगर अपन किसी का भी क्या प्रतिशत हटाएंगे, किसी का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 20 बट्टे 100 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसका प्रतिशत हटाया, इसका क्या हटाया, प्रतिशत। और अब इसको क्या कर देंगे, 100 20 एकम 20 20 पंजे 100, तो आपके पास क्या आ गया, 1/5। तो बात तो वही है, 20% या 1/5 बोलो, बात तो वही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बट्टे में चेंज कर दिया। क्यों क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को इसी प्रकार से मैंने सोल्व करना आपको सिखाया। बात समझ में आ गई, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 दिन आ जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य का 30% भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए है वो किसी कार्य का 30% भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो भाई, जितना हो सके उतना मैं क्या है इजी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल किसी टाइम में मैं उलझा नहीं रहा हूँ और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, साथ साथ में बेसिक भी अपन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शायद, 5वां या 6ठा क्वेश्चन होगा इसी टाइप के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, इसमें मैंने चेंजमेंट क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या प्रतिशत बट्टे में, पहले बट्टे में संख्या थी, अब यहाँ पे क्या आ गया प्रतिशत में। तो पिछला क्वेश्चन तो आपको सोल्व करके बताया, उसी टाइप से क्वेश्चन भी आप सोल्व करो। ए है वो किसी कार्य का 30% भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। चलो भाई कमेंट करो आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, कमेंट करते जाओ आंसर क्या क्या आ रहे हैं, इतनी देर में सोल्व हो जाना चाहिए था। अपने सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो प्रतिशत में दे रखा है वो आपको चेंज करना है, किस में बट्टे में। तो किस प्रकार से करोगे, 30% बराबर क्या हो जाएगा, 30% हटाने के लिए क्या क्या बट्टे में 100, 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 3/10। अब क्वेश्चन क्या बन गया, किसी कार्य का यहाँ पे क्या बढ़ गया 3/10 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ गई, तो अब तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो। चलो अपन सोल्व कर लेते हैं, 3/10 भाग है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में। तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 18 गुणा में देखो इससे क्या करेंगे, 3 जाएगा नीचे, 3 क्या आ गया 10 आ गया ऊपर, और 3 क्या आ गया नीचे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 18 में कितनी बार जाएगा, 6 3 कितने हो गए 18। अब गुणा करेंगे 6 को 10 से, तो आपके पास क्या जाएगा 60 दिन। आंसर क्या आ गया आपका, 60 दिन। बात समझ में आ गई, ये क्या है आपका आंसर, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसी कार्य का 30% भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य का क्या है 30% भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले अपने क्या किया, जो प्रतिशत में दे रखा था इसको बट्टे में चेंज किया, तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक किसी काम का 3/10 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, 3/10 भाग कितने दिन में, 18 दिन में। तो पूरा काम कितने समय में करेगा, तो आपको क्या करना है, 18 गुणा इसको उल्टा कर देना, जो भाग है इसको उल्टा, नीचे है उसको क्या लेना, ऊपर लेना 10, और नीचे के लिए क्या लेना 3। इससे आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 दिन। ये क्या हो गया आपका आंसर, बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ये तो रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।